हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की नेटवर्क को लेके। तो ये आप सबको तो पता ही होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा एक्टर टॉप 10 लिस्ट में है, किसकी नेटवर्क सबसे हाई है और इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो फिर आइए ना जानते हैं कि कौन सा एक्टर टॉप 10 की अर्निंग में और नेटवर्क में सबसे ज़्यादा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 22 टॉप 10, बात करते हैं वरुण धवन की। 30 साल के वरुण धवन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का डेब्यू किया था, तो शायद किसी ने सोचा होगा कि ये एक्टर बॉलीवुड का प्रमुख एक्टर में से एक होगा। मैं तेरा हीरो, बदलापुर और दिलवाले जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ इन्होंने साबित कर दिया कि बेहतरीन एक्टर है भैया। करीब 15 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके वरुण धवन का नेटवर्क 420 करोड़ रुपए का हो चुका है। नंबर 9 हम बात करेंगे रणवीर कपूर। रणवीर कपूर यकीनन इंडिया के बेस्ट एक्टर में से एक हैं। इनकी एक्टिंग के प्रति यदि इनकी ये मेहनत देखी जाए तो हमें यह एहसास होता है कि रणवीर कपूर किस दर्जे के एक्टर हैं। बाकी एक्टर की फिल्मों से रणवीर कपूर की फिल्में बहुत ही अलग होती हैं। रणवीर कपूर ने रॉकस्टार, बर्फी जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं और इनकी फिल्म संजू का तो क्या ही कहना। उस फिल्म में तो बहुत ही बारीकी से संजय दत्त का कैरेक्टर को समझाया और वैसे ही पर्दे पर उतारा। रणवीर कपूर ने कई बड़े बड़े जैसे कि लेस, ओरियो, हीरो ब्रांड के एड्रॉस किया है। करीब 20 फिल्मों में काम कर चुके हैं रणवीर कपूर। रणवीर कपूर की नेटवर्क की बात करें तो 450 करोड़ रुपए की है। अब हम बात करेंगे नंबर 8 ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को हम ग्रीक गॉड के नाम से जाने जाने वाले ऋतिक रोशन की सुंदरता को लेकर सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस हैं। ऋतिक की क्रिस फिल्म उनके कैरियर की सबसे कारगर फिल्म साबित हुई। क्रिस फिल्म को करने के बाद ऋतिक का कैरियर ऐसे ऊंचाई पर आया कि ब्रांड वैल्यू कई गुना बढ़ गई। ऋतिक ने ओप्पो, माउंटेन ड्यू, कोको कोला जैसे ब्रांड को एड्रॉस किया। करीब ऋतिक रोशन की 28 फिल्में में काम कर चुके हैं। इस एक्टर की नेटवर्क की बात करें तो 464 करोड़ रुपए है। नंबर 7 हम बात करेंगे अजय देवगन की। अजय देवगन तानाजी फिल्म से अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल में राज करने लगे हैं। अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एक्टर में से एक हैं। अजय देवगन ने सिंघम, रेड, गोलमाल जैसे और भी ब्लॉकबस्टर मूवी में काम करके अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाया है। बिमल, बोलो जुवा केसरी, हाजमोला जैसे और कई ब्रांड्स को अजय ने एड्रॉस किया है। अजय ने अपनी कुछ दिन पहले अपनी 100 फिल्मों से ज़्यादा फिल्म पूरी कर चुके हैं। इनकी नेटवर्क की बात करें तो ये 429 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। नंबर 6 सैफ अली खान। सैफ अली खान भोपाल के नवाब और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन मंसूर अली खान के बेटे। सैफ अली खान भी किसी से कम नहीं है। सैफ ने रेफ और तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। सैफ ने सीक्रेट गेम नाम की वेब सीरीज में काम करके अपनी एक्टिंग प्रतिभा को सबके सामने उतारा था। सैफ अली खान कई कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिसमें लिम्का, रॉयल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सैफ की कुल संपत्ति की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए है। नंबर 5 आमिर खान। मिस्टर परफेक्टनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान ने कई बार ऐसी फिल्में बनाई हैं जो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर चाहे वो धूम 3 हो, पीके हो या दंगल हो,
आमिर खान की खास बात ये है कि उनकी हर फिल्म में उनके किरदार एकदम अलग होते हैं, फिर भी आमिर खान उस किरदार को बड़ी सहजता से निभाते हैं। इसी वजह से आमिर खान के फैंस पूरे भारत में तो हैं ही, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं भैया। चाइना में भी आमिर खान के बहुत बड़े बड़े फैन हैं भैया। वहाँ के लोकल एक्टर में से ज़्यादा आमिर खान को पसंद किया जाता है। और आमिर खान की थ्री इडियट और लगान ऐसी फिल्म है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। फिल्मों की तरह ही गिने चुने ब्रांड्स को भी आमिर प्रमोट करते हैं, जिसमें फोनपे, वीवो, टायर कंपनीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड्स हैं। आमिर खान ने आज तक कुल 45 फिल्मों में काम किया है, और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 1645 करोड़ रुपए की है। फ्रेंड्स, बात आती है अब नंबर 4, अक्षय कुमार। दोस्तों 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आए। एक समय तो लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण अक्षय कुमार की फिल्म इंडस्ट्री में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन अक्षय कुमार ने अपने काम के प्रति लगातार मेहनत और हार ना मानने के कारण बॉलीवुड के टॉप एक्टर में से उनका नाम आ गया है। अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी, खट्टा मीठा, दे दनादन, भूल भुलैया ये फिल्में हैं जो बॉलीवुड के गोल्डन हैं। अक्षय कुमार भारत की आपातकालीन में भी सामने आते हैं और अपना बड़ा योगदान देते हैं, और ये बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। इसी तरह से कुछ अक्षय कुमार की कुल संपत्ति 2189 करोड़ रुपए की है। अब बात आती है नंबर 4, हमारे सल्लू भाईजान, बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान, बॉलीवुड की जान। और हमारे सलमान खान का नाम इफ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। सलमान की स्टैंडर्ड के बारे में कौन नहीं जानता है। सलमान खान ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सुल्तान, दबंग, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसे कई ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं। सलमान खान बिग बॉस को भी होस्ट करते हैं, जिसके लिए पर एपिसोड 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सल्लू मियाँ की संपत्ति के बारे में बात करें तो 2627 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। अब बात आती है नंबर 2, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह और महानायक नाम से जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। हिंदी फिल्मों में योगदान की बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल से भी ज़्यादा का समय दिया है। अमिताभ बच्चन ने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें शोले, डॉन, सूर्यवंशी और शहंशाह जैसे कई फिल्में शामिल हैं। अमिताभ सर नवरत्नेल, बोरोप्लस, कैडबरी और भी कई ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। बात करें टोटल नेटवर्क की तो इनकी नेटवर्क 2876 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों अब बारी आती है नंबर 1, शाहरुख खान, बादशाह। बॉलीवुड के बादशाह, रोमांस ऑफ किंग और भी कई नाम से जाने जाने वाले शाहरुख खान इस लिस्ट में टॉप पर हैं। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म कैरियर में ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन जितना भी कमाया है अपने दिमाग से सही जगह में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिला। साथ ही शाहरुख खान नोकिया, डिश टीवी, बायजूस और भी कई ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। जिसके अलावा शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर टीम के मालिक भी हैं। दोस्तों शाहरुख खान की संपत्ति की बात करें तो 5000 करोड़ के मालिक हैं। उड़ गए ना होश। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ज़रूर प्रेस करें।